अस्सलामु अलैकुम, ये मैं रासुल खैमा में एक कैफ़ेटेरिया में आया हूँ। असाइल कैफ़े है ये, और इस कैफ़े की खसूसियत ये है कि बहुत ही एंटीक इधर जो है उसका इंटीरियर है, इनके पुराने कल्चरल और ट्रेडिशन के हिसाब से है, और बहुत ही खूबसूरत, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और इधर देखें आप, यहाँ पे इन्होंने जो भी चीज़ रखी हुई है, जो पहले जो यूज़ होती थी, पहले की चीज़ें सारी, पहले के हिसाब से किस दौर में क्या कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती थी, क्या बर्तन यूज़ होते थे, क्या शोपीस वगैरह यूज़ होते थे, टीवी किस तरह का होता था, हर चीज़ इन्होंने पुरानी जो है वो यहाँ डिस्प्ले की हुई है। और बहुत ही खूबसूरत पूरा कलरफुल सा कैफ़े है। और ये देखें, इन्होंने यहाँ टेबल पे जो है पुरानी कैसेट्स, पुरानी घड़ियाँ, पुराने मोबाइल सारे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग जगह है ये, रासुल खैमा के बीच पे बिल्कुल बना हुआ है। और यहाँ मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे, आतिफ भाई जो कि बहुत दिन बाद मुझसे मिलने आए हैं, तो वो हालांकि वीडियो और फ़ोटोज़ को बिल्कुल भी वीडियो में नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको, लेकिन मैं हूँ पेश पेश, और मैं तो बनाऊँगा भाई। और वो पीछे थोड़ा हंस भी रहे हैं, लेकिन ये मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है इसलिए जो है उनकी हंसी सुनाई नहीं दे रही है। देखें आप, CD70 पाकिस्तान में भी होती है, और यहाँ भी इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, और बहुत ही खूबसूरत इसका एनवायरनमेंट है। और यहाँ बहुत अच्छी चाय, अरेबिक टी हर किस्म की आपको मिलेगी, आइसक्रीम्स बहुत अच्छी हैं इनकी, कुछ मुख्तलिफ है टेस्ट में, और बहुत मज़ा आया है।